वापस आ रही है आपकी अपनी जानवी मित्तल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न में जानवी मित्तल का किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारिक की। हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारिक एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं, लेकिन इस बार उनकी ये पारी बिल्कुल अलग होगी। जी नहीं, वो टीवी पर नहीं नजर आएंगी, बल्कि वो तो ओटीटी प्लेटफॉर्म या यूं कहें कि वो अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रेणु पारिक को आप सभी ने सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न में जानवी मित्तल के किरदार में देखा था, जिसमें इन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से जान डाल दी थी। हालांकि ये शो ज्यादा नहीं चल पाया था, लेकिन श्रेणु की जमकर तारीफ हुई थी। और अब ऐसे में श्रेणु एक और भी चैलेंजिंग रोल पर्दे पर निभाने जा रही हैं। वेब सीरीज डैमेज 3 में श्रेणु एक जर्नलिस्ट के किरदार में आपको नजर आने वाली हैं। हम आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में श्रेणु के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ भी एक कॉप का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। जहां डैमेज 1 में अमृता खानविलकर नजर आई थी, डैमेज 2 में हिना खान ने शानदार एक्टिंग की थी, तो वहीं अब श्रेणु पारिक से भी फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और श्रेणु ने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है। श्रेणु ने कहा है, शो के पहले 2 सीजन को उनके आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर्स के लिए ऑडियंस ने खूब सराहा था। ये पहली बार है कि मैं एक क्राइम ड्रामा का हिस्सा बनूंगी और एक ऐसी लेडी का किरदार निभाने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो जिद्दी है, मिस्टीरियस है और समझने में थोड़ी सी मुश्किल है। शो में ऑडियंस को खूब ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। मैं शूटिंग शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। वेल दोस्तों, श्रेणु की इस बात से तो ये साफ हो गया है कि श्रेणु पारिक डैमेज 3 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम आपको बता दें कि श्रेणु पारिक ने दिल बोले ओबराय, गुलाल, इश्कबाज, एक भ्रम सर्वगुण संपन्न और कुछ पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं श्रेणु की वापसी के लिए, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।